एक चीज है एक, हमने ये तो आज हमारा हफ्ता शुरू है, एज इन व्लॉग का हफ्ता शुरू है, थर्सडे है। अब मैं आपको पिछले हफ्ते के सारे जो एनिमल्स आए थे उनका अपडेट लेता हूँ, आपका भी एक रीकैप हो जाएगा। सॉरी मैं रोटी लाना भूल गया, मैं रोटी लेके आता हूँ। यस, तो तेरे को अपनी मिल रही है ना, इसकी नेचर हुई थोड़ी बेटर एथलीट की। ऐसे तो शांति है ये, ऐसे तो शांति है, ट्रीटमेंट के दौरान करता है थोड़ा सा थोड़ा सा। कल गया इसका वीडियो, लोगों ने देखा, तेरा बिहेवियर देखा, पब्लिक फिगर बन गया तू। जो हमने नया बंदा हायर किया है वो इसलिए क्योंकि अब पीपल फार्म तीन भाग में विभाजित हो रहा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ वो एनिमल्स रहेंगे जो हमने अडॉप्ट किए हैं। क्लिनिक जो है वो नया वाला जो अस्पताल है वहाँ से चलेगा, और सेंचुरी में रहेंगे डिसेबल्ड एनिमल्स। तो यहाँ के लिए अब एक व्यक्ति ट्रेन होंगे, जब ज्योति एंड कंपनी चली जाएगी यहाँ से तब यहाँ पे सारे एनिमल्स को हैंडल कर लेंगे, ताकि मुझे ना करना पड़े। शेम ऑन यू, हर बारी हमारी सेम कॉन्वर्सेशन होती है। ये खुद से खड़ा हो रहा है ताशी, हो जाता है। अरे ताशी, तो फिर ताशी भी जाएगा, इसकी पस हल्की सी बन रही है ना एंटीबायोटिक्स की वजह से। एंटीबायोटिक कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड एक बार खत्म हो जाए उसके बाद। अच्छा, और जो रेस्क्यू है उसका थोड़ा सा बता दो कि क्या है। सर वैसे तो गाय ताशी जैसी जितनी बड़ी गाय है उसका खुर पीछे का इंजर्ड है और थोड़ा टूटा है, बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी तो लगी नहीं फोटो से, लेकिन चढ़ी का ही है, यहीं पास का रेस्क्यू है। संजय भैया किसका फ़ोन आया था हमें? ये दिन का आया था, वो भैया है नहीं यहाँ पे। इसके पीछे ना ये हूफ निकला हुआ है आधा ना, बस वहाँ पे शायद कीड़े तो नहीं पड़े, ब्लड निकल रहा है और इसको पेन भी है। हमारी गाड़ी चंडीगढ़ गई है क्योंकि उसको वो लग रहा है, जैक लग रहा है। इसलिए हमें यहीं से गाड़ी एक हायर करनी। एक चीज है, एक्साइटिंग चीज, इस समय हमारे पास जीप नहीं है रेस्क्यू करने के लिए, पर ये गुड न्यूज इसलिए है क्योंकि हमारी जीप गई है चंडीगढ़, उसमें हम वो हाइड्रोलिक लिफ्ट फिट करा रहे हैं ताकि जब हम किसी गाय बैल को लाएं, कई बार वो बेहोश होते हैं इसलिए नहीं चल पा रहे होते, तो या कई बार इवन चढ़ाने में दिक्कत होती है कि हमें कोई रैंप वगैरह मिलता नहीं है, तो एक बार लिफ्ट आ जाएगी तो एकदम हम स्टाइल से करेंगे ये रेस्क्यूज। वो जो छोटे पपीज आए हुए हैं उनका क्या हाल है? एस कैनल में रह रहे हैं, ये अपनी माँ के साथ हैं। तू हमने ये एरिया आपको पहले दिखाया भी नहीं है, आप देखने ये ले। आह नाइस, गुड बॉय चू चू। और उसको दे दिया क्या? अमरप्रीत के पास रोटी, चू चू को उसको दे आया। अरे वाह, गुड बॉय। बिफोर हम इससे मिलने जाएं, दो चीजें मुझे पूछनी है आपसे और मैं याद रखूंगा। दो चीजें, एक तो लेनोमैक्स आपने शुरू किया। हाँ जी सर, कर दिया उसी दिन, कर दिया था। मैं आपको गुरु से शर्त लगा रहा था कि इन्होंने किया नहीं होगा मैं वहाँ जाऊंगा। नहीं, हमने उसी दिन फर्स्ट डे में ही शुरू कर दिया, गुरु सोचा था उसको मसाला मिलेगा कुछ। अच्छा, एंड सेकंड चीज थी, अब हमने स्टरलाइजेशन कर ही रहे हैं तो जो टीचर और स्टूडेंट आए थे उसके लिए गाड़ी भेज दी। परफेक्ट। टीचर और स्टूडेंट आए थे ना स्कूल के टाइम में से, बंक मार के भी टाइम निकाल के परमिशन लेके। हमने इनका नामकरण नहीं किया अभी तक। नहीं, मैंने आपको फोटोज और सब कुछ भेज दिया डिटेल। तो ये नाम आप सजेस्ट करिए इन पपीज का, और मदर का नाम तो हम रखेंगे। मदर अभी बहुत अग्रेसिव है तो जाने नहीं देती, तो वही है, बच्चे उसके पास ही रह रहे। रेडिएटर हम पास रखते हैं थोड़ा इसके, ये रेडिएटर है तो ये ब्लोअर से इसलिए फर्क रहता है कि अनअटेंडेड भी चलेगा ना, तो कोई खतरा नहीं रहता। अभी हमें एक रेस्क्यू लाइन का हमें एक वो आया ना कॉल आया था, उसके फोटोज वगैरह आई है। एक बैल है बहुत बड़ा ना, यहाँ से अराउंड 46 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, तो उसके पीठ वाले हिस्से में ना जो पराल उठाने वाला वही नहीं ज्यादा काटे काटे होते हैं जिसमें, वो उसके ऐसे गड़ा हुआ, किसी ने मारा होगा और वो फंस गया उसमें, तो उसके लिए हमें जाना 40 किलोमीटर। देखिए जगह तो हमारे पास है नहीं है ना, अगर वहाँ जाके डिसाइड होता है कि नहीं कंडीशन बहुत खराब है लाना पड़ेगा तब हम वहाँ से जीप करेंगे ना। ठीक है तो भेज दो भैया, ये तो करो। हाँ मैं भेज दूंगी, अभी आते हैं लोग तो।
ये ऐसे क्यों लेटा हुआ है? ये स्प्रे है ना केस में? नहीं सर, ये तो मैक्लॉडगन से जो हम लेकर आए थे, इससे तो मेरी बात ही नहीं हुई ज्यादा। इसकी हालत बहुत ज्यादा ना खराब सी है, बड़ी मुश्किल से चल रहा है ये। सर बता रहे थे कल का अपडेट कि थोड़ा अपने पैरों पे वजन ले रहा है, चारों पैरों पे खड़ा था, तो इसको थोड़ी स्पेस देनी होगी हमें। हल्का पैरालिसिस है, वीक है बहुत ज्यादा, तो अभी काफी बेटर हुआ है। और इसका ट्यूमर का भी हमें चेक करवाना होगा, इसके नेक के पास में ट्यूमर है एक। मैं तो आज वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सारा टाइम सिस्टम सेटअप करने में जा रहा है। सर्जरी कौन सी हो रही है? स्पे स्पे हो रही है, दो बच्ची मतलब दो के घर में लेटेस्ट हो रही है। ओके, तो एक स्टूडेंट वाली हो गई। हाँ जी, और एक एक ही इधर के। ठीक है, के साइड में किसी पॉइजन दे दिया इनको, खाने वगैरह डालते थे इनको डेली रोज, लेकिन जब मैं दूसरे टाइम खाने देने गया इनको, तो ऐसे तड़प रहे थे रास्ते में मेरे को। अरे यार, सभी इकट्ठे हो गए थे, मैंने सभी को बोला कि यार कोई तो ले चलो, मुझे ड्राइव करने तो आती नहीं है। फिर मैंने इसको बोला, इसको ये स्कूटी पर था, मैंने प्लीज ले चलो, नहीं तो मर जाएंगे। कितने किलोमीटर से हैं? 30 किलोमीटर। तो इसलिए हमने अभी डिसाइड किया ना कि अभी डॉग्स को रख लेते हैं, फिर भी कर लेते हैं, दो तीन दिन का ऑब्जर्वेशन रहेगा फिर। तो इसमें अपने एक्टिवेटेड चारकोल है सर, इस समय खटियाई पिलाई है, देसी इलाज होते हैं, किसी ने बताया मैं तो वो आते टाइम की थी उल्टी। नहीं, नमक डाला था खटियाई में, वो तो नहीं पता। बच्चे लेके आए थे बना के, क्योंकि स्कूल के बच्चे बोल रहे थे, हमें चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी हिंदी थी, फिर किसी ने कुछ डाल दिया तो सभी बच्चे इकट्ठे हो गए थे, और बच्चे गए, किसी ने बोला कि खटियाई लेकर आओ, तो बच्चे लेके आ गए वही सब कुछ। हमारे पास एक्टिवेटेड चारकोल नहीं है, वो ब्रेड को जला लेते हैं ना, बिल्कुल जला के वो दे देते हैं। बुल था वो आ गया? हाँ जी सर, सुबह आ गया था। उसका पीछे का खुर में इंजरी है, बहुत ज़्यादा अभी तक बड़ी नहीं है, सही टाइम पे आ गया था। हालांकि है बहुत थोड़ा अग्रेसिव ना, तो उसको हैंडल करने के लिए भी दो तीन लोग लग रहे थे, बाकी पूरे शरीर में कहीं कोई घाव नहीं, कहीं कोई लंप नहीं, कुछ नहीं। वो जिसको आप कह रहे हो किसी को पराल वाला मारा था? हाँ सर, उसके लिए हमने कॉल कई बार किए, शुरुआत में तो उन्होंने उठाए नहीं थे, बाद में फिर एक कॉल बैक आया कि वो जो गड़ा था उसको वो निकाल लिया गया है ना, और यहाँ से फिर उतना दूर है, तो हमने उनको ट्रीटमेंट बोला था कि बेसिकली आप डी मैक्स स्प्रे करते रहिए, है ना, अगर उतना घाव अंदर नहीं गया तो, कुछ और दिक्कत आती है तो बताइएगा, खुद ही मैनेज कर लेंगे। ये टेबल में रख, इनको कहां? नहीं, इनको नहीं सर, साइड में ही रखना होगा ना। हाँ, राधे लेके आ रही है, आप बैठ जाइए ना। एक लेडीज उसको मार रही थी, इनकी मम्मी को मार रही थी, मदर को, तो मैंने बोला आप मार क्यों रही हो, तो ये अपने गाय को तो डालना है, इसको बैठने के लिए तो डालना है, आप मार क्यों रही हो इसको, तो बोले तू ले जाना इसको अपने घर, तेरे घर में कमी है। मैंने कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगी, आप क्या करोगे, खाना तो मैं हमेशा खाना डालती हूँ उनको। रिस्पॉन्सिबल फीडर है, इन्होंने स्पेस एजरीज भी कराई है अपने एरिया के डॉग्स के, हमसे ही कराई है पहले। खुद वीगन भी हूँ। वीगन है आप? अरे कब हुए वीगन आप? मैं अप्रैल में हुई, इसी साल। हाँ जी सर, आपकी वीडियो देख के। अरे और मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था कि मैंने आपसे मिलना और शिवानी मैम से, आज इनके कारण मिल गए। तो मैं आपको शिवानी से मिलवा देता हूँ। मैं खाना वगैरह इनको सब कुछ करती हूँ, अब मैंने इनको सोचा था कि मैं वैक्सीनेशन भी करूँगी इनका। अच्छा। और इनकी जो मदर है उनको स्टरलाइजेशन नहीं करूँगी, यहीं पे कराऊँगी, अभी वो मेरे साथ इतनी फ्रेंडली नहीं है। अच्छा। क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया, अभी पहले यहाँ पे नहीं थी, तो मैंने सोचा चल फ्रेंडली हो जाएगी, तो उसके बाद मैंने उसको स्टरलाइज करवा दूँगी। तो मैंने अभी भी सभी लोगों को यही बोल के आया कि तुम लोगों की क्या दिक्कत होगी, खाना मैं डाल दूँ ना, तुम आके मुझसे बोलो। हाँ, लोग खुद अच्छा कुछ करते नहीं, उनसे देखा भी नहीं जाता। मेरे खुद की मेरे रिश्तेदार है जो मुझे ताने मारते कि तू है क्या, तू मर जाएगी, तुझे है क्या, तू मर जाएगी। हाँ मर जाएगी, क्योंकि तू वीगन बन गई है ना, तू मर जाएगी, इतनी डेयरी में दूध कहाँ से मिलेगा, सोयाबीन का दूध डालते हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप बोल लो, मुझे पता है कहाँ से आता दूध। हाँ दे लूँगी, नहीं मैं हूँ इतने सालों से वीगन, मैं तो मरा मैं खुद बोलती हूँ कि मुझे कुछ ही नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपके घर वाले सपोर्टिव हैं आप इतने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, मैं खुद ही करती हूँ। मैं मतलब मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मेरे को शॉपिंग के लिए शॉपिंग के पैसे जो होते हैं मैं नहीं खरीदती कपड़े जो है नहीं कपड़े भी नहीं नए खरीदते नहीं, जो अगर कभी बड़ी नीड है कपड़ों की नहीं है मेरे पास तो लेने, अगर मैं नहीं मुझे पता है कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे पैसे बचाने हैं, मुझे काम वगैरह को खाना दे डालना है, और सबके सामने डालूंगी जाकर देखो, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, कुछ भी ताने मारो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी शिवानी है क्या?
अच्छा गई शिवानी तो है नहीं, वो गई है अभी। और लोग हैं वहाँ पे जो फीडिंग वगैरह करते हैं आपके साथ? नहीं, मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो आपने कैसे शुरू किया? मतलब पहले जो एक मतलब टिकटॉक के जरिए ना एक निधि तिवारी है दीदी, तो मैंने वैसे उनको देखी थी, फिर जैसे आपकी वीडियोस वगैरह देखी, यूवी केयर की वीडियोस वगैरह देखी, खाना वगैरह के लिए मैं ऐसे मम्मी बोलते तो वीडियो क्या डालती है, तो मेरे भाई है तो उनको वैसे बोलता है कि तू क्या पागल सी है, ऐसे हमारी इंसल्ट करवा रही है। तो आप वीडियो कहाँ डालते हो? इंस्टाग्राम पे? हाँ, क्या है आपका इंस्टा? बेजुबान अपने जैसे और लोग आपके जुड़ेंगे, जुड़ते हैं लोग तो थोड़ा सपोर्ट रहता है, पर आपकी वैसे हिम्मत है कि आप अकेले कर रहे हो, तो कभी आपको ऐसे नहीं लगता थोड़ा मायूस नहीं महसूस करते? नहीं, तो मेरे ऐसे मायूस होती है नहीं, मैं कभी भगवान को बोलती हूँ भगवान जी प्लीज़ सपोर्ट तो करो मुझे, कभी भी कोई तो ऐसा हो कि मुझे, मैं ऐसे बोलती हूँ कि यार फूड तो डोनेट कर दो, कोई तो कर्ज कर दो, मैं सभी को फंड भी डोनेट करती हूँ, मैं खुद मतलब डॉग्स के लिए कुछ खाना ले रही हूँ, डॉक्टर कॉलर्स ले रही हूँ, कर रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं काव वगैरह को खाना भी दे रही हूँ। तो अर्निंग कैसे करते हो आप? जैसे मेरे पास पापा वैसे पैसे देते हैं शॉपिंग के लिए, तो थोड़े बहुत शॉपिंग कर लेनी, बाकी पैसे बचा लेनी। पहले था कि हाँ ऐसे शॉपिंग करनी, ऐसे पैसा उड़ाना, अब नहीं है, अब ये कि एक एक पैसा बहुत ज़रूरी है। एक तो ये आपके लिए ना, ये पीनट बटर है, ठीक है, ये आपके खाने के लिए ना, तो वीगन नहीं होता, ये हमारे कुछ स्टिकर्स हैं। राधा तो अभी ये ब्रेड चूल्हे पर जलाएगी, जलाने में तो राधा एक्सपर्ट है। हाँ बोलो बोलो। मेरे से बड़े बड़े हैं महानुभाव बैठे हुए हैं ना जलाने के लिए। आप अपना टोस्टर पे तवे पे जला सकते हो, क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल नहीं है ना हमारे पास, तो उसकी जगह ही है। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा टॉक्सिन्स को और फिर साथ ही में निकल जाएगा। ऊपर ही चलते हैं। ये हमारा ऊपर वाला जो सेक्शन है ना, ये आप व्लॉग में ना के बराबर देखते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा सारा प्रोडक्ट्स का काम होता है, यहाँ पे एनिमल्स की एंट्री मना है। फाइनली यस सर, थैंक यू जी, बहुत अंदर से ढूंढ के निकाली है। थैंक यू सो मच। ये कुछ एनर्जी बार हैं, ये सब हम यहीं पे बनाते हैं, ये आप रख सकते हैं, आप रेस्क्यूज में इधर उधर भाग रहे हो, और ये आपके लिए। थैंक यू सर। ठीक है, देसी लोग देसी डॉग। ओके, काफ़ी इंस्पायरिंग था आपसे मिलना। मैं एक सेकंड बचा, बस बस थोड़ी देर लेटर है बच्चा, उसको उल्टी करवा दो, जितना पानी में जब तक नमक घुलता जाए, जब घुलना बंद हो जाए वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, वो पिलाओगे तो उससे एकदम से वॉमिट हो जाएगी। ब्रेड को जला के काला कर दिया, उसको चूरा बना के उसका पेस्ट बना के गाढ़ा सा वो पिलाया उनको, जिससे कि टॉक्सिन जो भी है, जो भी खिलाया है वो एब्जॉर्ब हो जाए उसमें सारा, वो पिलाओगे तो उससे एकदम से वॉमिट हो जाएगी। अरे कर उल्टी कर, घर में बच्चे नहीं हो रहे उनके जो नंजार दी है, तो ये अलग पागल हो रहा है, पूरा का पूरा बॉडी हिला ले रहा है अपना, मुंडी भी पूरी, बस ना बेटू तो पीना तो पड़ेगी, उल्टी कैसे करोगे तुम? फिर पेट कैसे हो रहा है, देखो नाक से झाग आ गई, देख सकते खून भी आ रहा है, डैमेज है उसका अंदर भी कुछ यार, फिर सर गया है सर, इसकी हार्ट बीट तेज हो गई ना भयंकर टाइप से। बच्चे उठो उठो, चलो गुड बॉय है ना बाबू। हाँ मेरे बच्चे कर 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 कर, वेरी गुड बुत्र, जोर करो जोर गाओ। ये आंखें खुली नहीं है इसकी, ना राधे सारा ट्रीटमेंट हो गया ना इसका, ठीक है इसको शिफ्ट करके ना ओटी में ही रख देते हैं, रेडिएटर में ही रहेगा। तो जो लोग कुत्तों को जहर देते भी हैं उन्हें ये नहीं है कि कुत्ते तड़पे, उनको तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि भाई कुत्ते सड़क से हट जाएं। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि भाई इसके लिए स्टरलाइजेशन एक अच्छा तरीका है, और बल्कि किसी को मारने का पाप अपने सर लेके आप किसी को बचाने का पुण्य कमाएंगे।